हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरत कुमार, वर्ल्ड कंट्रोल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पुनः 3 नंबर के बारे में, 3 नंबर का जैक बोर्ड का, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम आपको ले चलते हैं, वो भी ग्राफ खींचिए। एक क्वेश्चन उसमें रहेगा आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 में रहेगा, ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय यही क्वेश्चन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये है ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। आपका दो समीकरण दिया गया है, x-2y = 0, x+3y = 20। तो इसको हम लोग मान लिए पहला समीकरण, दूसरा को मान लिए दूसरा समीकरण, इक्वेशन एक एंड इक्वेशन दो। तो हल ज्ञात करने के लिए हमको सर्वप्रथम सबसे पहले दो एक्स और वाई का दो दो हल ज्ञात करना होगा, अर्थात दो दो एक्स का मान और एक्स और वाई का दो मान ज्ञात करना होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो एक्स का मान 4 होगा। तो एक्स इसका दो दो मान अगर आप निकालें तो ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण क्या है, x-2y = 0। तो चूंकि यहाँ दोनों चर है, दोनों वेरिएबल है, इसलिए किसी एक का मान जो है हमको खुद अपने से रखना पड़ेगा। तो x = 0 लिए, तो x का मान x के जगह 0 लिखे तो यहाँ बचा -2y = 0। तो y = 0 मल्टीप्लाई में करा दे y में, इसको इससे डिवाइड करने के बाद 0। तो नेक्स्ट उसी प्रकार से हम लोग y का मान यदि 2 लेते हैं, तो यहाँ देखिए 2 - x - 2y, 2 का जगह y की जगह पे 2 वैल्यू इनपुट किए, y का वैल्यू इनपुट किए, तो 2 * 4 - 4 = 0। ये प्लस में इधर जाएगा तो e, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस। तो ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं यदि x का मान 0 तो y का भी मान क्या आया, 0 आया, कॉलम में लिखे। इसके बाद फिर y का मान यदि हम लोग 0 लिए तो x का मान क्या आया, 4 आया। नेक्स्ट समीकरण में हम लोग फिर हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट समीकरण का, x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान देखिए समीकरण क्या, 3x + 4y = 0। तो y बराबर यदि हम लोग 2 लेते हैं तो y के जगह फिर 2 y का वैल्यू इनपुट करेंगे तो 2 + 8, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, x = ये देखिए माइनस हो करके 12 हो गया, और x = मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 12/3 करके आ गया x का मान 4। अब हम लोग यदि x = 0 लेते हैं तो x का मान 0 × 0, इसलिए यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि x का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए y = 20। तो x का मान करके आ गया y की डिवाइड में, वही सुना पुरानी बात कि x = 4 के तो करके 5 × 4 = 20, ये कैंसिल होकर के आ गया y का मान 5। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशन का दो दो हल ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट अब हम लोग इसको ग्राफ खींचते हैं। आप यदि आपके पास यदि ग्राफ पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास तो ग्राफ पेपर अभी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण मैं आपको बोर्ड पर ही समझा दे रहा हूँ। आप अपने ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचिएगा, हल कर दें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को हम साइड में नोट कर लेते हैं, क्योंकि यही समीकरण से हम लोग को क्या करना है, मान से इसी दोनों मान से हम लोग को ग्राफ खींचना है, इसलिए हम साइड में इसको नोट कर लेते हैं। इक्वेशन एक का क्या क्या है, x और y, x का मान 0 0, y का मान है 4 और 2। इसके बाद फिर ये इक्वेशन 1 हो गया, और इक्वेशन 2 का है एक्स वाई क्या है 4 और 2, यह है 0 और 5। इसको हम साइड में इसलिए नोट की क्योंकि अभी पुनः हमको ग्राफ खींचना है, मिटा दें इसको, डिलीट कर दें। अगर आप नहीं उधर पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पुनः बाद में समझ लीजिए। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसी को आप इसी का आप ग्राफ खींचना है तो मिटाते हैं। तो आप ग्राफ खींचने के लिए 9th में भी सीख चुके होंगे, बट क्या है ना कि 9th में एक समीकरण से आप खींचे होंगे, और 10th में क्या है कि दोनों समीकरण का आपको खींचना है, दो समीकरण का खींचना है, यानी दो समीकरण को लेके एक ही ग्राफ में खींचना है, एक ही तल में खींचना है। तो चलिए देखिए, आप ग्राफ कॉपी में आप कॉपी को बीचों बीच मतलब जो लाइन है उसको उसी के ऊपर एक पेंसिल से स्केल की सहायता से आप
खींचिए इस प्रकार से पहले, उम्मीद है खींच लिए होंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है यानी ऊपर वाला जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। इसका नाम क्या है? वाई अक्ष। इसको बोला जाता है वाई अक्ष। और वाई अक्ष जो है इसके इधर होता है यहाँ पे वाई और नीचे होता है वाई डैश। इधर ये वाला जो आप क्षैतिज जो देख रहे हैं इसको इस रेखा का नाम है वाई सॉरी एक्स अक्ष। इसको कहता है एक्स अक्ष। और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु का नाम है कहा जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु। उम्मीद है यहां तक आप लोग ग्राफ कॉपी पे अपने अपने कर लिए होंगे। और इस मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। और अब एक्स अक्ष वाई अक्ष इधर होता है एक्स अक्ष पर एक्स डैश इधर होता है एक्स 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 डैश। तो उम्मीद है यहां तक लिख लिए होंगे। चलिए आप ग्राफ कॉपी में आपका ऐसे ऐसे जो दिया है उसी के मान यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस होगा आपका। हम यहां पे इसको मान लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इधर फिर माइनस इधर माइनस होता है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छ माइनस सात इधर फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। नेक्स्ट इधर जो होगा इधर फिर प्लस होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तीन का सिंबल का मतलब है कि ये और आगे जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखिए पहला समीकरण का मान क्या है? एक्स का मान जीरो वाई का मान जीरो। सबसे आसान तरीका यदि आप ना समझ रहे हो तो पेन या पेंसिल को आप मूल बिंदु पर रखिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना है वहां से पूछिए इक्वेशन वन का पहले ग्राफ खींचना है कि एक्स का वैल्यू क्या है? जीरो। तो जीरो मूल बिंदु पे ही होता है। वाई का मान क्या है? जीरो। तो जीरो मूल बिंदु पे ही होता है। फिर दूसरा कॉलम में जो है एक्स का फोर। तो ध्यान दीजिए एक्स अक्ष कहाँ पे? फोर। तो यहां से हम लोग चलेंगे फोर पे यहाँ पे आके खड़े हो गए। फिर इसी कॉलम में देखिए वाई का मान टू है। तो इससे जो रेखा है इसी रेखा पे आपको चलना है दो के इसके वाई अक्ष वाला जो इधर से जो आपका रेखा जो गुजरेगी इसे और यहाँ से जो फोर वाला इसे गुजरेगी यही बिंदु पे आपको वहां पे अपने ग्राफ कॉपी में इंडिकेट करना है। इस तरह से आप बिंदा देना है आपको और यही आपका वैल्यू हो गया क्या? पहले एक्स अक्ष का एक्स का मान लिखा जाता है एक्स का मान फोर वाई का मान टू और यहाँ जो है ये मूल बिंदु के जीरो जीरो होता ही है। तो नेक्स्ट ये पहला समीकरण का था। अगर आप इसको इसका ग्राफ खींचेगा तो ध्यान देंगे ये बिंदु और ये बिंदु दोनों बिंदु को एक लाइन में स्केल की मदद से एक सीधा करके और इसको खींचिए। मेरे पास तो इतना बड़ा स्केल उपलब्ध है नहीं इसीलिए मैं अपने हाथ से थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है तो लेकिन आप लोग अपने ग्राफ पेपर में जो बनाइएगा सीधा खींचाएगा आपका जीरो जीरो। और ये हो गया इक्वेशन वन का समीकरण ग्राफ। और टू में देखिए क्या है एक्स का मान फोर कहाँ है? यहाँ है एक्स का मान फोर वाई का मान टू। तो यही बिंदु पुनः है एक्स का मान टू फोर और वाई का मान तो ये कट गया इसको हम पुनः डिलीट करके जो है ऐसे कर देते हैं यहाँ लिखते हैं फोर और टू ठीक। और ये हो गया कोई बात नहीं। आप सोचते होंगे कि सर एक ही बिंदु पे दोनों का मान है या फिर देखिए फोर बाय टू इसका भी है इसका तो कोई बात नहीं इसी बिंदु को हम लेंगे फोर बाय टू और यहाँ पे है आ गया। इसके बाद है जीरो और फाइव एक्स का मान जीरो वाई का मान फाइव यहाँ है
तो इसको में ऐसे बिना देंगे ऐसे लपेट देंगे। अब क्या करना हम लोग को, इसको और इसको सीधा लेकर के ऐसे मिला के स्केल की मदद से आप खींच दीजिए। इस प्रकार से आपका ग्राफ तैयार हो गया। यही ये हो गया क्वेश्चन टू। तो इस प्रकार से ग्राफ खींच गया, उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। और यही नहीं, एक क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड में अनिवार्य रूप से निश्चित रूप से पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई दो बार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अध्याय 5 से 5.2 से। तो क्वेश्चन कह रहा है, आपका बोर्ड पे लिख चुके हैं, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? तो 31वां पद का अर्थ हुआ, आप लोग एपी पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि हम तो अभी भी इम्पोर्टेंट सब जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो ए 11 का मान दिया है 38 और ए 16 का 16 का मान दिया है 73। ए 31 इक्वल टू मान निकालना 31, ए पद टर्म जो है 31 पर टर्म का मान निकालना है। तो ए 11 हम लोग लिख सकते हैं a1 + 10d इक्वल टू 38, ठीक है। और ए 16 को हम लोग लिख सकते हैं a1 + 15d इक्वल टू इतना। अब क्या किए कि दोनों को अगर घटाने पर, क्या करने पर, घटाने, चूंकि जब तक हम लोग को d का मान अर्थात सार्व अंतर और प्रथम पद यानी पहला टर्म पता नहीं होगा, तब तक हम लोग ए 31 का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये और ये कैंसिल हो गया। घटाओं में क्या होता है कि इसका अपोजिट चिन्ह होता है, इसका ये प्लस है, इसका प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो देखिए ये a1 कैंसिल हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो करके यानी 15d में 10d में माइनस 15d जाएगा तो माइनस 5d बचेगा, और इसको इससे माइनस के तो माइनस 35 आया। और डी चूंकि यहाँ 5 गुना में है, हमको डी का वैल्यू प्राप्त करना है, ज्ञात करना है, इसलिए डी को फ्री करने के लिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35। तो डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन 1 में डी का मान रख दिए, तो इक्वेशन 1 में डी का मान रखे तो इस देखो a1 + 10 × 10d का वैल्यू 7 = 38। आगे देखिए a1 + 7 10 × 70 प्लस इक्वल कितना, ये प्लस में उधर भेजे तो ये माइनस में आ गया, a1 का मान -32 आ गया। अब a1 31 को हम लोग a1 + 30d लिख सकते हैं, तो a1 + 30d इक्वल टू a1 का वैल्यू इनपुट कर दिए -32 + 30 × 7 तो -32 + 27 178। तो ये हम a31 का मान कितना आ गया 178, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और ना समझ जो भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के साथ क्वेश्चन लेकर के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप मेरे क्लास रेगुलर करना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।